ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 5 जनवरी 2020 रविवार का दिन है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अश्विनी नामक नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन कन्या तुला धनु और मकर ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनके लिए दिन सबसे खास साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ पदोन्नति या पद प्रतिष्ठा का उत्तम दिन इनके लिए साबित होगा। कुल मिलाकर के इन 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे अच्छा व्यतीत होने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि इनके लिए क्या उपाय रहेगा तथा इनके भाग्यशाली अंक क्या रहेंगे। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। विवाह योग्य लोगों को प्रस्ताव रोमांस के अवसर मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ अधिकतर समय व्यतीत होगा। दूसरों का सम्मान करें। किसी तरह की बिक्री या खरीदी के काम से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस तथा नौकरी में लगातार कुछ नया करने की आप कोशिश कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। कोई पुरानी परेशानी आपकी निपट जाएगी। नौकरी और घर परिवार का तनाव काफ़ी हद तक सुलझने का योग बन रहा है। उम्मीद और भरोसे से आपको आगे बढ़ना चाहिए, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। नौकरी में ट्रांसफर और प्रमोशन आपको मिल सकता है। सामाजिक कार्यों में आपकी प्रगति तथा उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रॉपर्टी से जुड़े काम जो रुके हुए थे वो आपके पूरे हो जाएंगे और कोई बड़ी प्लानिंग आप बना सकते हैं। कोई व्यक्ति आगे चलकर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा चरम पर रहेगी। नौकरी करने वाले और कामकाजी लोग जो भी कोशिश करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। आपके प्रेम संबंधों में गहराइयां बढ़ेगी। पैसों के सवाल फिर एक बार आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप जो भी काम करें खुद के ही दम पर निपटाने का प्रयास करें। मनोरंजन के अवसर मिल सकते हैं, खुद के लिए समय निकाल सकेंगे। कोई भी अनुबंध यदि आपको करना है तो अच्छी प्रकार से सोच विचार कर आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में दूध से बनी मिठाई का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कोई बड़ी और अच्छी प्लानिंग आपके द्वारा बन सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेंगे। आज आप कोई बड़ा और फायदेमंद काम शुरू कर सकते हैं। हर तरह के सामूहिक कार्यों में सफलता मिलेगी। जो बात आपके मन में है वो आप कह सकते हैं। नज़दीकी रिश्तों में एक भावनात्मक गहराई आएगी। बच्चों और परिवार के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हैं। नए मौके और नए लोगों से मुलाकात होने का योग है। कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़ेंगे जिनको करने का मूड आपका नहीं रहेगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दूसरों की जरूरतों और उनकी इच्छाओं का ध्यान आपको रखना चाहिए। अविवाहित लोगों के लिए समय ठीक है। जीवन में सकारात्मक बदलाव होने के मौके आपको मिल सकते हैं। इनका उपयोग करने से आपको बचना होगा। आज आप ठंडे दिमाग से सोचें और प्लानिंग करके ही आगे बढ़े। आपकी आशंकाएं दूर होगी और उसका फायदा आपको मिल सकता है। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलेगी। बिजनेस में नई योजनाएं बनने का योग है। आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें। मेहनत अधिक रहेगी और घरेलू जीवन में अशांति उत्पन्न हो सकती है और जल्दबाजी किसी भी कार्य में आपको नहीं करना चाहिए। उपाय के रूप में कच्चा दूध यदि किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। किसी खबर का इंतजार आपको रहेगा। ऑफिस और फील्ड में समझदारी से काम करें। घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें। आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में बहुत हद तक व्यस्त रहेंगे। बिजनेस करने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए फायदा होगा। आज आप हर काम अच्छे से पूरा भी कर लेंगे। दूसरों की जरूरतों को लेकर बहुत हद तक आप संवेदनशील रहेंगे। दोस्तों के साथ संबंध और अच्छे रहेंगे। किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। और उपाय के रूप में यदि आप हरे रंग की कोई भी वस्तु का दान किसी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। पिछली बातें भूलकर आगे बढ़ेंगे तो जल्द ही आप सफल हो जाएंगे और दिन अच्छा साबित होगा। जीवन में कोई खास बदलाव करने की आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ रिश्तों के मामलों में बड़े फैसले लेने के लिए सही समय है। आपके सामने कई प्रकार की जिम्मेदारियां आ सकती है। किसी पुरानी समस्या का नए ढंग से समाधान आप निकाल पाएंगे। खरीदारी करने में आपको काफी समय लग सकता है। आपके दिमाग में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से आप बिगड़ी स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। नए संबंध आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए और आप जो भी फैसला करें वह सोच समझ करके आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दिन अच्छा है। कोई नया काम करने की यदि सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पुरानी समस्याओं से राहत मिलने का योग है और बहुत सारा काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। आज आप दूसरों की मदद करेंगे। आपका नजरिया बड़ा हुआ रहेगा। आने वाले समय को देखते हुए आपकी प्लानिंग बनती रहेगी। नई तकनीक को अपने जीवन में शामिल करना आप चाहेंगे। कोई जरूरी काम आज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ के लोगों से समय पर मदद आपको मिल जाएगी। आज आप सोचने में समय खराब न करें। काम के प्रति मानसिक सुस्ती भी आपको महसूस होगी। फालतू कामों में समय और पैसा आपका लग सकता है। संभल करके आपको रहना चाहिए। कुछ मामलों में आप परेशान हो सकते हैं। पुरानी बातों से आपको तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धैर्य और खुद पर भरोसा रखें। कोई खास और अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको अच्छा अवसर भी मिलेगा। आज आप दूसरों की जरूरतें समझने की कोशिश कर सकते हैं। सकारात्मक नजरिए के दम पर आज आप जरूरी काम निपटाने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। आपको कोई सकारात्मक आदत या रवैया अपनाने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों के साथ नए सिरे से संबंधों की शुरुआत हो सकती है। रूठे हुए लोगों को मनाने की कोशिश करके देखें। कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को रोटी और गुड़ एक साथ खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। संकोच छोड़े और करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कामकाज में अपने बड़े लोगों की तारीफ और मदद आपको मिलेगी। परिस्थितियों के हिसाब से ही आप काम करेंगे। खुद को बदलने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको ही फायदा होगा। दिन अच्छा रहेगा। आपके अंदाज से आज कुछ लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। पैसों के काम और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा। किसी काम के बारे में आपकी भविष्यवाणी सही साबित होगी। किसी फालतू काम में आप फंस सकते हैं और इसी कारण आपके काम योजना के अनुसार नहीं होंगे। कुछ खास काम आपके अधूरे रह जाएंगे और वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। उपाय के रूप में हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। नौकरी तथा बिजनेस में कुछ मामलों में किस्मत का साथ आपको मिलेगा। सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। खुशी के मौके आपको मिल सकते हैं। मिले जुले अनुभव वाला दिन आपके लिए रहेगा। सामाजिक संपर्क की मदद से आपके कुछ खास काम पूरे हो जाएंगे। आज आप किसी उच्च पद वाले व्यक्ति से मदद ले सकते हैं या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। आपका काम जो बिगड़ रहा था वह बन जाएगा। किसी की बुराई बिल्कुल न करें। छोटा मोटा नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती है। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के कोई भी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। पूरे दिन ग्रह नक्षत्र और सितारों की मदद आपको मिलती रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। मौज मस्ती तथा मनोरंजन का मूड आपका रहेगा। काम का बोझ उतना नहीं रहेगा जितना आपको डर था। कुछ अटके हुए, रुके हुए या पेंडिंग काम आप निपटाने का प्रयास करेंगे। बिगड़े हुए संबंधों में सुधार होने का योग है। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से आप जो योजना बनाते आ रहे थे उस पर काम करने का समय है। सामाजिक सम्मान आपको प्राप्त होगा। कहीं अचानक यात्रा का योग भी आपके साथ बन सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप नमक किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज हर अनुभव आपको कोई ना कोई चीज सिखा सकते हैं। खर्चा व्यवहार और किसी व्यक्ति विशेष से आपकी जो है लंबी चर्चा होने का योग है। कुछ बातों पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी और जीवन साथी की कोई इच्छा आप पूरी कर सकते हैं। खुद को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। खुद के लिए किए गए फैसलों पर भरोसा रखें। शांति रखें, धैर्य से काम करें। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। व्यक्तिगत समस्या सुलझने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी जो है मिश्री चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।